हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2021 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था अभी केमिस्ट्री का, उसके डिटेल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आंसर की ऑलरेडी जो है हम कम्युनिटी बॉक्स पर और FB वगैरह हर जगह शेयर कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने आंसर की नहीं चेकआउट की है तो आप आंसर की चेकआउट कर सकते हैं। और डिटेल सॉल्यूशंस के लिए आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पार्ट वन, जिसमें हम 1 to 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर एक और पार्ट आएगा जिसमें आपके टोटल 125 क्वेश्चंस जो है वो लास्ट के कवर हो जाएंगे। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट सुटेबल एल्कली मेटल टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम हाईली प्योर आर्गन गैस। दैट मीन्स, ब्राइटनेस एक बार मैं कम कर देती हूँ, अगर आपको आई थिंक अविजिबल ही होगा। ठीक है, पूछा है कि इनमें से जितने भी अल्कली मेटल्स आपको दे रखे हैं, इनमें से सबसे सूटेबल अल्कली मेटल आखिर कौन सा है जिनको हम यूज कर सकते हैं टू रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम हाईली प्योर आर्गन गैस से। तो आपका आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा लिथियम। लिथियम क्या करता है, लिथियम जो अल्कली मेटल है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है, थिन लेयर ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है, किसकी, नाइट्राइड की। और इसकी वजह से रेट और एक्सटेंट दोनों ही रिएक्शन का बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट ऑप्शन वो है लिथियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ 3 ग्राम यूरिया इज डिसोल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, देन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है कि अगर हम 3 ग्राम यूरिया को, मतलब जो मेरे पास सोल्यूट है उसका मास गिवन है दैट इज इक्वल टू 3 ग्राम, उसको डिसोल्व किया है 45 ग्राम वाटर में, सॉल्वेंट का मास दे दिया 45 ग्राम, ठीक है। और यूरिया है, यूरिया का मोलिकुलर वेट हो जाएगा मेरे पास 60 ग्राम पर मोल, और वाटर जो मेरा सॉल्वेंट है उसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब उसने पूछा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगी, हमें पता है कि अगर हम किसकी बात करें, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, पी नोट माइनस पी बाई पी नोट। पी नोट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और पी क्या, जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो तब वेपर प्रेशर क्या होगा। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये किसके इक्वल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगी। अब यहां पे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्यूट का कितना मास दे रखा है, 3 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना है, 60 ग्राम पर मोल। तो ये तो मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो यही आ जाएंगे तुम्हारे पास, और सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इसका मास है 45 ग्राम और मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0196, जिसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं 0.02, और ये 0.02 क्या होगी, वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगी 0.02। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द पोटेशियम परमैंगनेट डार्क कलर अराइजेस बिकॉज ऑफ, जो पोटेशियम परमैंगनेट का डार्क कलर होता है वो किस वजह से होता है, पोलराइजेशन की वजह से होता है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है, या फिर दोनों, पोलराइजेशन एंड डीडी ट्रांजिशन, या फिर चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट में KMnO4 में जो हमारे पास कलर होता है वो आता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। इसमें कौन सा हमारे पास चार्ज ट्रांसफर होता है, LMCT, लिगेंड से क्या होता है, मेटल को चार्ज ट्रांसफर होता है। क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है, लिगेंड की जो पी ऑर्बिटल होती है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और यहाँ पे हमारे पास मेटल की हमारे पास क्या होता है, मेटल की हमारे पास ऑर्बिटल होती है, यहाँ पे होती है EG, ठीक है, और यहाँ पे होती है T2 star, ठीक है। तो लिगेंड की पी ऑर्बिटल से मेटल की ई ऑर्बिटल में चार्ज ट्रांसफर होता है, और जो ये गैप है हमारे पास ये लाई करता है विजिबल रीजन में,
ठीक है, विजिबल रीजन में लाई करता है, इसीलिए हमें क्या होता है कलर शो होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट का हमारे पास डार्क कलर होता है LmCt की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कैन ओनली बी अप्लाई टू प्राइमरी प्रोसेसेस। सिंपल स्टेटमेंट पूछी है कि फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस सिर्फ प्राइमरी प्रोसेसेस पे अप्लाई हो सकती है, और ये तो स्टेटमेंट किसने दी थी, बोडेनस्टीन ने। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमसे पूछा है नंबर ऑफ ट्रिपल पॉइंट्स इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर के फेज डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट्स क्या होंगे, तो अगर हम सल्फर के फेज डायग्राम की बात करें, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जब हम इसका फेज डायग्राम बनाएंगे, तो इसका फेज डायग्राम कैसा होता है, सल्फर का फेज डायग्राम हमारे पास कुछ इस टाइप का आएगा, कुछ इस टाइप का आएगा। यहाँ पे क्या रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे सल्फर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पे वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो मेरे पॉइंट्स होंगे 1, 2 एंड 3, ये तीनों पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट को, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल पॉइंट को। इन सारे पॉइंट्स पे सारे फेजेस को एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम सल्फर के फेज डायग्राम की बात करें, तो सल्फर के फेज डायग्राम में टोटल 3 ट्रिपल पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है आपका, हु फर्स्ट यूज फिनाइल आइसोथायोसाइनेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पेप्टाइड। आपको यहाँ पर पूछा है इस क्वेश्चन में कि किसने इनमें से, जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इनमें से किसने फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का यूज किया था फॉर सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड। आपने पढ़ा होगा एडमिन डिग्रेडेशन, राइट। एडमिन डिग्रेडेशन में क्या होता है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग अमीनो एसिड्स इन अ पेप्टाइड। एक पेप्टाइड में सीक्वेंसिंग करते हैं हम अमीनो एसिड्स की। तो स्टार्टिंग में आपके पास ये फिनाइल आइसोथायोसाइनेट लेंगे, और इसको अमीनो एसिड्स के साथ फिर ट्रीट किया जाता है, और लास्ट में आपको जाके प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर फिनाइल आइसोथायोसाइनेट किससे रिलेटेड है, एडमन डिग्रेडेशन से, विच वॉज गिवन बाय फेयर एडमन। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एनोडिक ऑक्सीडेशन इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आइस, आइस कोल्ड है यहाँ पर, आइस कोल्ड H2O 50% बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एट हाई करंट डेंसिटी गिव। जब हम क्या करते हैं H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं जो कि कोल्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें मिलता है 2H पॉजिटिव प्लस S2O8 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, हमारे पास जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो ये वाली रिएक्शन होती है, और जब ये हमारे पास मिल जाता है तो हमारे पास क्या है, ये क्या, ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा, H2S2O8। ठीक है, अगर मैं इसमें वाटर ऐड करती हूँ तो हमारे पास क्या होता है, H2O2 बनती है प्लस में 2 हमारे पास क्या बनते हैं, SO4 2 नेगेटिव के। तो इसकी कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्या है, यहाँ से हम H2O2 परऑक्साइड क्या कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन से क्या मिल रहा है हमारे, जब हम इसकी एनोड पे मिलेगा ये हमें, ठीक है, ये क्या मिलेगा हमें, H2S2O8, जिसको हम मार्शलास एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है द एक्सप्रेशन ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज। जूल थॉमसन कोफिशिएंट का सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होगा तुम्हारे पास, -1/Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू ∆H/∆V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या क्या हो सकता है, -1/Cp ∆H/∆P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या तो एंथैल्पी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड एंथैल्पी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सीवी तीनों में क्या था, -1/Cv, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हो जाता, यहाँ पे सिर्फ डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा है आपसे इन लिक्विड अमोनिया सल्फ्यूमिक एसिड बिहेव्स एज। लिक्विड अमोनिया में सल्फ्यूमिक एसिड किसकी तरह बिहेव करता है, मोनोबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड, या फिर एज अ बेस। तो अगर हम सल्फ्यूमिक एसिड की बात करें, सल्फ्यूमिक एसिड क्या है आपका, SO2 NH2OH, दिस इज आर सल्फ्यूमिक एसिड।
अब पूछा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका लिक्विड अमोनिया में किसकी तरह बिहेव करेगा। तो अगर मैं सिंपली बात करूँ, लिक्विड अमोनिया हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, मान लीजिए कि आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के बेसिस पे आपको बताना है, लिक्विड अमोनिया है और एक सॉल्वेंट आपने यहाँ पर लिया वाटर। इन दोनों के केसेस में ही अगर हम बात करें कि किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वाटर के केस में इट बिहेव्स एज मोनोबेसिक एसिड और लिक्विड अमोनिया के केस में इट बिहेव्स एज डायबेसिक एसिड। अब ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम सॉल्वेंट को देखें, लिक्विड अमोनिया और वाटर, तो लिक्विड अमोनिया जो है आपका ज़्यादा बेसिक है, और ज़्यादा बेसिक होने की वजह से क्या होगा, मतलब इसका जो एक्सटेंट है प्रोटोनेशन का वो बहुत ईजी हो जाएगा, और इस वजह से इट इज़ इन लिक्विड अमोनिया जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो डायबेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन, वाटर पूछा होता तो आंसर आपका मोनोबेसिक एसिड होता। 10th क्वेश्चन है आपका, इन द थ्री हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल फ्यूरेन, पायरोल और थायफीन, ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी इज़। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, आपको सिंपली पूछा है कि इन तीनों में से एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा क्या होगी, या फिर ऑर्डर क्या होगा एरोमेटिसिटी का। तो चलिए एक बार बात करते हैं, आपके पास क्या क्या दे रखा है, एक है आपके पास थायोफीन गिवन है, एक आपके पास यहाँ पर पायरोल गिवन है, और यहाँ पर आपके पास फ्यूरेन दे रखा है। एरोमेटिसिटी पूछी हुई है, तो बताओ सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम थायोफीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो किस तरीके से बन सकता है, सबसे पहले ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, राइट? क्या बना पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा, एस पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए, ये बॉन्ड यहाँ आ जाए, तो हमारा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन चुका है, एस पर अभी भी पॉजिटिव चार्ज ही है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ चुका है, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही। अगला देखें, अगला क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाए, अगला आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आया और यहाँ पर आ चुका है नेगेटिव चार्ज, बताइए क्लियर है क्या, इतना यहाँ तक क्लियर है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बन चुके हैं आपको, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दोगे, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं क्या, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ एक बार, यहीं पर इसकी नेक्स्ट बना लेते हैं, बताओ इसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या बनेगा इसके बाद, यहाँ पर एस पे पॉजिटिव चार्ज था हमारा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ चुका है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल सही। अगला अगर हम करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट किया, ये यहाँ शिफ्ट किया, तो बताओ क्या यही बन जाएगा दोबारा से वापस, ये यहाँ पर आ गया, बॉन्ड यहाँ आ चुका है, राइट? और यहाँ पर आपका सिंपल पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर हट चुका है, दैट मीन्स टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया तो कितने बन गए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ऐसे ही सेम जैसे मैंने थायोफीन के लिए लिखा है, सेम ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे आप पायरोल के लिए और फ्यूरेन के लिए। तो यहाँ तक आप ये बात समझें कि तीनों ही केसेस में अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेकिन क्या होता है, थायोफीन के केस में क्या हो जाएगा, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, इनमें रिवर्स कॉन्जुगेशन हो जाता है, रिवर्स कॉन्जुगेशन हो जाता है, और इस रिवर्स कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो जाएगा, आपके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, राइट? और ऐसा पायरोल और फ्यूरेन के केस में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ थायोफीन के केस में ही होने वाला है। तो यहाँ पर थायोफीन के केस में क्या हो रहा है, थायोफीन के केस में हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स डायरेक्ट हमने क्या किया है, रिवर्स कॉन्जुगेशन यहाँ से करेंगे। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं फिर से बनाकर देखूँ तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका
ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है आपका, यहाँ पर आ चुका है क्या पॉजिटिव चार्ज, राइट। नेक्स्ट देखें, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास एक डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड यहाँ आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अगला देखें, नेक्स्ट आपका शिफ्ट हो चुका है, नेक्स्ट क्या हुआ आपका, ये बॉन्ड जो है आपका कहाँ पर आ चुका है, सल्फर पर आ चुका है, ये यहाँ पर आ चुका है बॉन्ड आपका और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, सिंपली नेक्स्ट क्या हो जाएगा आगे, ये यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, यहाँ आ चुका है डबल बॉन्ड, एक यहाँ पर बॉन्ड आया और यहाँ पर आया है आपका पॉजिटिव चार्ज। बताओ अगला अगर आप करोगे, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया तो क्या दोबारा से आपका ये बन जाएगा, है ना, यहाँ पर आ चुका है और ये दोबारा से आपका क्या बन गया, ही बन चुका है फिर से, राइट। दैट मींस यहाँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन ये टोटल 5 नहीं है क्योंकि ये तो आपका सिंपल थायफी नहीं था, ये तो आपने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। मतलब ये है आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ पर आपके हो गए 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल मिल चुके हैं आपको। दैट मीन्स टोटल थायफीन के केस में 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, राइट। थायफीन के केस में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी किसकी है, थायफीन की ही है। पायरोल और फ्यूरान के केस में तो दोनों में सिर्फ 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे वाले, उनमें कोई रिवर्स कंजुगेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 5 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे पायरोल और फ्यूरान दोनों में, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिसिटी हो चुकी है थायोफीन की और हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा थायोफीन की है, तो अपना ए वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। लेकिन एक बार पायरोल और फ्यूरान का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मैं पायरोल और फ्यूरान का कंपैरिजन करूं, यहाँ पर ये है आपका पायरोल, ये है आपका फ्यूरान, इनका कंपैरिजन करें अगर एरोमेटिसिटी का, तो बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन जो है आपका कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो बहुत ईजिली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ईजिली होने की वजह से आपका एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन जो है वो बढ़ जाता है, एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बढ़ गया तो आपका पायरोल ज्यादा एरोमेटिक हो जाएगा एज कम्पेयर्ड टू फ्यूरान, तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा थायोफीन, फिर पायरोल और फिर फ्यूरान। आगे क्या बात समझ में आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, उसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट कोएगुलेटिंग पावर ऑफ As2S3 सॉल्यूशन, As2S3 कोलोइड। हमारे पास अरेनियस सल्फाइड की कोलोइड है और हमें पता है कि जो As2S3 कोलोइड है ये क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड, क्या है ये, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड है। अब इसने पूछा है कि इस नेगेटिवली चार्ज कोलोइड को कोएगुलेट करने के लिए किसकी कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। हमें दिया है PO4 3 नेगेटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, चारों में से किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी As2S3 कोलोइड को कोएगुलेट करने के लिए। अब हमें पता है कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज कोलोइड होती है तो उसको कोएगुलेट करने के लिए जिस आयन पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है तो इसको कोएगुलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा, जिस पे हाईली पॉजिटिव चार्ज हो, जिस आयन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी इस नेगेटिवली चार्ज कोलोइड को कोएगुलेट करने के लिए। मतलब मेरे पास जो ये दो ऑप्शन है जो नेगेटिवली चार्ज है ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइड को नेगेटिव चार्ज आयंस तो कोएगुलेट करेंगे नहीं। अब बचा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, किस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 3 यूनिट्स हैं पॉजिटिव चार्ज के, इस पे ओनली 1 यूनिट है पॉजिटिव चार्ज के, तो कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा जो किस पे है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, दो रिएक्शन दे रखी है, पूछा है ए और बी आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। पहले रिएक्शन है आपका NaOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड प्लस Cl2,
सेकेंड है आपका COH volatilized dry प्लस Cl2 आपको बी प्रोडक्ट दे रहा है और कुछ साइड प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, पूछा है ए और बी प्रोडक्ट आपके क्या बनेंगे। अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर आपको मेंशन है कि हॉट और कंसंट्रेटेड ही है। देखो कोल्ड होता है तो उसका जो आपका रिएक्शन है वो चेंज जाती है, तो यहाँ पर हॉट और कंसंट्रेटेड की अगर हम बात करते हैं, अगर Cl2 को हमने ट्रीट किया है किसके साथ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो ये क्या बनाता है, NaClO3 बनाता है, प्लस आपके साइड प्रोडक्ट्स मिले जाएंगे वाटर और जो भी मिलना है। इसके अलावा जो सेकेंड रिएक्शन थी वो क्या है, आपके Cl2 को ट्रीट किया है किसके साथ, CaOH होल 12 के साथ, तो ये बनाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज CaOCl होल 12। और कुछ साइड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो अपना ऑप्शन जो ए करेक्ट, कौन सा करेक्ट हो जाता है, ए क्या है आपका NaClO3, मतलब कहाँ पर है NaClO3, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ये क्या मिल रहा है आपको, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl का होल 12, तो अपना करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, विच इंटरमीडिएट फॉर्म्स ट्रिप्टिसिन ऑन रिएक्शन विद एंथ्रासीन। पूछा है यहाँ पर कि कौन सा इंटरमीडिएट जो है वो ट्रिप्टिसिन बनाता है एंथ्रासीन के साथ रिएक्ट करके। ऑप्शन है आपके पास बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन और कार्बोकटाइन, तो एंथ्रासीन है आपके पास, एंथ्रासीन गिवन है और पूछा है कि इस इंटरमीडिएट के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रिप्टिसिन बनेगा। ट्रिप्टिसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये है ट्रिप्टिसिन। ठीक है, बताइए कैसे बन सकता है। एंथ्रासीन से कोई भी अगर रिएक्शन होती है यहाँ पर, तो इसका जो मिडिल वाली रिंग है इससे ही रिएक्शंस फेवरेबल होंगी। ठीक है, अगर हम इसको सिंपली ट्रीट कर दें किसके साथ, कौन सा इंटरमीडिएट, बेंजाइन के साथ, तो क्या होगा, ये इस पर अटैक कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो बताओ क्या यही बनेगा क्या, बिल्कुल यही बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो इंटरमीडिएट है वो कौन सी है, बेंजाइन है, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर है बेंजाइन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेक्ट द क्रिस्टल सिस्टम विच हैज नो सिमेट्री, जिसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। अगर मैं बात करती हूँ ट्राइक्लिनिक की, तो ट्राइक्लिनिक में मेरे पास क्या होता है, जो साइड्स होती हैं ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, और अगर मैं एंगल्स लेती हूँ अल्फा, बीटा और गामा, ये भी तीनों क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, मोस्ट डिससिमेट्रिक होता है हमारे पास, इसमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, अनसिमेट्रिकल होता है ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, उसमें पूछा है Cv4CO2 एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू कौन, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालनी है हमें, किसकी CV निकालनी है, किसके लिए, CO2 पे, और उसने बोल दिया है कंडीशंस क्या दी है, रूम टेम्परेचर की कंडीशन, और ब्रैकेट में उसने मेंशन किया है अज्यूम 20% वाइब्रेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन एट रूम टेम्परेचर, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 20% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी रूम टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले हमें पता है कि सीवी क्या होता है, सीवी क्या होता है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर मुझे इंटरनल एनर्जी पता चल जाए, CO2 के लिए इंटरनल एनर्जी पता चल जाए, तो उसका टेम्परेचर के साथ हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन पे, और वही क्या आ जाएगा, सीवी। तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होगी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ आर टी, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ आर टी, उसके बाद रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ आर टी, क्योंकि इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ आर टी, उसके बाद क्या आएंगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर टी, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, आर टी। वाइब्रेशनल को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है 20% वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो जितनी मेरे पास ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका मुझे क्या लेना है, 20%। तो देखो
CO2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो तीन ही होंगी, तो ये क्या आ गया 3/2 RT प्लस। अब रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम बात करेंगे तो डिपेंड करेगा आपका मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर। तो यहाँ पे गिवन है आपको CO2, CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, अगर लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, दो। लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी, दो। अब बचा कितना, 20% हमें लेना है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारे पास, ध्यान से देखो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तीन। अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें n एटम्स हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होंगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दो होंगी अगर आपका मॉलिक्यूल लीनियर है, और तीन होंगी अगर आपका मॉलिक्यूल नॉन लीनियर। अब बची कितनी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मुझे पता है टोटल n एटम्स हैं, तो जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3n। 3n में से तीन ट्रांसलेशनल मॉलिक्यूल लीनियर है, तो दो क्या हो गई, रोटेशनल, नॉन लीनियर है तो तीन क्या हो गई, रोटेशनल। अब वाइब्रेशनल निकालनी है, वाइब्रेशनल एक तो हम लीनियर के केस में देख लेंगे, एक नॉन लीनियर के केस में देख लेंगे। लीनियर में कितनी हो जाएंगी, टोटल में से ट्रांसलेशनल और रोटेशनल माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू 3n-5। और नॉन लीनियर के केस में भी क्या करोगे, टोटल में से ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल माइनस कर दो, ये आ जाएंगी 3n-6। अब मुझे पता है CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे कितनी होंगी, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-5 × RT। अब देखो 3/2 RT + RT + 20/100, 3n-5n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3, तो 3 × 3-5 कितने आ जाएंगी, 4 RT, कितना आ जाएगा, 4 RT। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मेरी इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 5/2 RT प्लस, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/5 RT। तो यहाँ पे इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया U इज इक्वल टू 5/2 RT + 4/5 RT, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम LCM ले लो, 25 RT + 8 RT, दैट इज इक्वल टू 33 RT/10, या तुम बोल सकते हो 3.3 RT। तो ये तो आ गई इंटरनल एनर्जी। अब हमें निकालना है CV, CV किसके बराबर होगा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इस इंटरनल एनर्जी का क्या कर लो, डिफरेंशियल कर लो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्या आ जाएगा, 3.3 R। अब तो कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ R की वैल्यू पुट कर दो, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर CO2 मॉलिक्यूल, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर दी CO2 मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 16, उसमें बोला है कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन निकालना है इन डिसॉल्विंग 1 mole ऑफ जिंक इन एन एक्वस HCl। जब तुम 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर रहे हो, 1 mole ऑफ जिंक को किसमें डिसॉल्व कर रहे हो, एक्वस HCl में, तो वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, ZnCl2+H2 गैस यहाँ पे लिबरेट होगी, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। जिंक तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में है, अगर यहाँ पे मैं वर्क डन निकालू, अगर हम यहाँ पे क्या निकाले, वर्क डन निकाले, कितना काम हुआ, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, ΔnGRT, या तो चाहे तुम PΔV लिखो और उसको किसमें कन्वर्ट कर लो, आइडियल गैस की यहाँ पे इक्वेशन लगा के PV किसके बराबर हो जाएगा, ΔnGRT। ΔnG मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज में कितना चेंज आया है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोडक्ट की साइड कितने मोल हैं गैसियस स्पीसीज के, ओनली 1 mole है हाइड्रोजन का, ओनली 1 mole हाइड्रोजन का है, और रिएक्टेंट की साइड तो कुछ भी गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, इंटू 8.314, और किस टेम्परेचर पे वो बात कर रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। तो यहाँ से जब हम वर्क डन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.494 किलो जूल। ये हमारा क्या है, 1 mole HCl को जब HCl में, सॉरी 1 mole जिंक को जब HCl में डिसॉल्व करेंगे
तो कितना काम हमें करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 2.494 किलो जूल। अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम why presence of oxygen decreases the rate of chlorination of methane in the presence of sunlight, इस क्वेश्चन में सिंपली पूछा है कि अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप रेट क्लोरिनेशन करवाते हो मीथेन का, तो रेट ऑफ क्लोरिनेशन जो है मीथेन का वो कम हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन आपसे पूछा है कि इसमें से क्या फॉर्म हो जाता है। देखो अगर हम सिंपल क्लोरिनेशन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले आपको दो Cl रेडिकल्स मिल जाएंगे। अब ये जो Cl रेडिकल है ये आपका CH4 मीथेन के साथ जब ट्रीट करेंगे इसको सिंपल, तो क्या करेगा, इसको इस तरीके से करके लिख देती हूँ मैं एच, और यहाँ पर आया आपका CH3, ठीक है। तो ये एक एच यहाँ से ले लेगा, दैट मीन्स एक HCl बन चुका है और एक आपका CH3 रेडिकल बन चुका है, और इसके बाद फर्दर रिएक्शन होकर आपको CH3Cl मिल जाता है। ये था नॉर्मल क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। लेकिन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने की वजह से ये है आपका ऑक्सीजन। तो ये जो अटैक है यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिंपल क्या था, सिग्मा स्टार पे आपका अटैक था, यहाँ पर क्या है, ये पाई स्टार पर होगा। दैट मीन्स अगर ये पाई स्टार पर होता है तो आपको बताओ क्या मिलेगा, CH3, ये है O और यहाँ पर O रेडिकल, ये बन जाएगा आपका, और इसके बनने की वजह से ही क्या होगा, रेट ऑफ क्लोरिनेशन जो है वो कम हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका C6CH5CONH2+P2O5 के साथ हीट क्या है और प्रोडक्ट पूछा है कि क्या बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है आपका, CONH2 इसको ट्रीट किया है P2O5 के साथ, सिंपली हमने हीट करा हुआ है, तो P2O5 से हीट करते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ से निकाल देंगे आप -H2O और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, नाइट्राइल मिल जाएगा। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से बी ऑप्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या Re2Cl8 नेगेटिव पोजेस, इसके अंदर हमारे पास कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, हमें ये बताना है। सिंगल बॉन्ड होगा बिटवीन दोनों Re के बीच में, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा या फिर क्वाट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये हम कैसे निकालते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, Re2Cl8 नेगेटिव, ठीक है, 2x is equal to minus 8, 2x minus 8 is equal to minus 2, 2x is equal to, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, plus 6, ठीक है। अब हमारे पास Re belong करता है मैग्नीज ग्रुप से, ठीक है, अगर Re 2 के ऊपर 6 पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, D8, ठीक है। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास होती है यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल, फिर उसके बाद दो पाई होती हैं, फिर यहाँ पे डेल्टा, यहाँ डेल्टा स्टार, ठीक है, फिर यहाँ पे पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करूँगी तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक फिल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में है हमारे पास, माइनस में जो एंटी बॉन्डिंग में है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बॉन्डिंग में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0, डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 4। अगर बॉन्ड ऑर्डर 4 है तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, क्वाट्रपल बॉन्ड होगा बिटवीन दो Re, 2 Re के बीच में मेरे पास क्या होगा, क्वाट्रपल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन SI सिस्टम इज, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, सबको पता है अगर हम SI सिस्टम में बात करें तो क्या होगी, साइमन पर मीटर, क्या होगी, साइमन पर मीटर। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 21st क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज पॉसिबल,
इनमें से किस में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है? ऑप्शन है आपके पास CF3- CCl3- CH3- एंड CH2-। अगर ऑप्शंस आप देखो तो आपको सिंपली पता लग रहा है क्या कि CCl3 आपका ऐसा ऑप्शन है, Cl के पास क्या है, डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है, इसलिए डी ऑर्बिटल रेजोनेंस जो है बी में ही होगा। इनमें डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो कहाँ से होगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसने बोला है गिवन दैट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HCl के लिए दी है -92.3 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है जब एक मोल HCl का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे माइनस साइन है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, दैट इज -92.3। उसके बाद उसने बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, HCl.100H2O, दैट इज इक्वल टू -168.1 किलो जूल पर मोल। उसने पूछ लिया हमसे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वन मोल ऑफ HCl इन 100 मोल्स ऑफ वाटर। जब ये यहाँ पे HCl है, एक मोल HCl 100 मोल्स ऑफ वाटर में डिसोसिएट होगा तो एंथैल्पी में क्या चेंज आएगा? ये तो बिल्कुल सिंपल है, जब HCl.100H2O के लिए कितने गिवन है, -168.1 किलो जूल पर मोल। और इसने पूछा है जब ये एक मोल HCl 100 मोल ऑफ वाटर में डिसोसिएट होगा तो, जब HCl.100H2O डिसोसिएट होगा तो वहां पे HCl बनेगा, और HCl की फॉर्मेशन की कितनी दी है, -92.3। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, यहाँ पे -92.3 जब लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -75.8 किलो जूल पर मोल, सॉरी किलो जूल ही आएगा क्योंकि एक मोल के लिए ही हमने निकाली है, जब एक मोल HCl 100 मोल ऑफ वाटर में डिसोसिएट होगा। यहाँ पे सिंपल दोनों रिएक्शन हमें दे रखी है, HCl के फॉर्मेशन की भी और HCl.100H2O के फॉर्मेशन की भी। तो जब HCl.100H2O डिसोसिएट होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, -168.1 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl जो कितनी दे रखी है, -92.3। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटलो एंजाइम डू नॉट कंटेन जिंक, किस मेटलो एंजाइम में हमारे पास जिंक प्रेजेंट नहीं होता। अगर मैं बात करूँ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करूँ तो इसमें भी मेरे पास जिंक प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नाइट्रोजिनियस एंजाइम की तो ये क्या है, मेरे पास एक FeS टाइप का हमारे पास मेटलो एंजाइम है जिसमें हमारे पास आयरन प्रेजेंट होता है, और एज ए को फैक्टर मेरे पास क्या है, मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। ये कैसे एक्ट करता है, एज ए को फैक्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अल्कोहल डिहाइड्रोजनीज, इसमें भी मेरे पास क्या होता है, जिंक प्रेजेंट होता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें गिवन है इफ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 200 सेकंड। उसने हमें दे दिया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ दे दिया, दैट इज इक्वल टू 200 सेकंड, और पूछा क्या है रेट कांस्टेंट। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट किसके बराबर होगा, 0.693 बाई टी हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.693 बाई हाफ लाइफ, कितनी गिवन है, 200 सेकंड। सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेट कांस्टेंट आ जाएगा 3.46 × 10⁻³ इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज यूज टू एक्सप्लेन होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस को हम कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, तो देखो एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ये तो हेटरोजीनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करेगी, डाल्टन्स थ्योरी, अरहेनियस थ्योरी, इनमें से कोई भी होमोजेनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन नहीं करती है। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, ये हमारी किसको एक्सप्लेन करती है, होमोजेनियस कैटालिसिस को, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों ही सेम फेज में होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। एड्सॉर्प्शन थ्योरी तो हेटरोजीनियस कैटालिसिस को एक्सप्लेन करेगी, और अरहेनियस थ्योरी एंड डाल्टन्स थ्योरी का तो कैटालिसिस से कोई कनेक्शन ही नहीं है, डाल्टन्स थ्योरी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा था, जो हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा यू किसके बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया वो किसके बराबर होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू के। दिस लॉ इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स,
पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे डिपेंड था, तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस डाइसल्डर रिएक्शन। आपको ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, थायोफिन, पिरिडीन, पाइरोल और फ्यूरान। इनमें से पूछा है कि डाइसल्डर रिएक्शन जो है वो कौन इजीली दे पाएगा। इन सब में अगर मैं देखूं यहाँ पर, जो आपके पास फ्यूरान होता है वो बहुत ही नॉर्मल एडाइन की तरह एक्ट कर सकता है। अगर एनारोमेटिसिटी की बात करें तो क्या होता है, सबसे कम एरोमेटिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ईजिली ही, बहुत रीडली बिहेव करता है एज अ डाइन, और डाइसल्डर रिएक्शन आपका दे सकता है। इसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका फ्यूरान। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी प्रेफर्ड टू रिमेन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। इसमें से चारों रिएक्शन में से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल नहीं होगी, मतलब जो उसके प्रोडक्ट है हमारे पास वो अनस्टेबल बनेंगे। तो ये हम करेंगे सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन के बेस पर। देखो हमारे पास क्या है, पोटेशियम है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हार्ड है, ये क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, अब ये दोनों क्या है, हार्ड हार्ड है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा फेवरेबल है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, एच जी क्या है, सॉफ्ट है, ये क्या है, हार्ड है, यहाँ पे भी हार्ड सॉफ्ट की इंटरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, लेकिन यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा, ये हार्ड हार्ड, तो ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगी, फेवरेबल होगी। अगर मैं बात करती हूँ सी पार्ट की, तो यहाँ पे देखो ये हार्ड है, ये भी हार्ड है, एच जी क्या होता है, सॉफ्ट, आई भी क्या है, सॉफ्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों यहाँ पे हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है, यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हार्ड की इंटरेक्शन हो जाए, तो ये हमारे पास इसका रिएक्टेंट ज़्यादा फेवरेबल है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, और सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ठीक है, ये हमारे पास तो क्या है, यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the following is hydrolyzed more rapidly? पूछा है इनमें से सबसे hydrolyzed rapidly कौन सा हो पाएगा? ऑप्शन है आपका CH3Cl, CH3CH2Cl, और आपके पास रहेगा CH2 double bond, CHCl, CH3O, CH2Cl। तो इनमें से बताइए सबसे easily, सबसे readily hydrolyzed कौन सा हो सकता है? सिंपली आप बता सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनने वाला है, और इसकी वजह से ही हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बहुत ही रीडली हाइड्रोलाइज हो जाएगा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की वजह से। यहाँ पर इतने स्टेबल नहीं बन रहे हैं, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। अगला क्वेश्चन है, इंडिकेट द प्रोडक्ट। इंडिकेट करना है आपको कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट प्रोडक्ट है। नेफ्थलीन दे रखा है और सोडियम C2H5OH का ट्रीट किया, दैट मीन्स ये सिंपल रिडक्शन है आपका, ठीक है, रिडक्शन है, लेकिन रिडक्शन में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स रिड्यूस होंगे। तो अगर सोडियम और इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो ये रिड्यूस करके क्या बनाएगा आपका, यहाँ पर एक तो कोई भी रिड्यूस नहीं होगा, बट यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड्स जो है रिड्यूस होकर एक यहाँ पर बॉन्ड आ जाता है, दैट मीन्स 1,4-dihydro नेफ्थलीन बन जाएगा, नेफ्थलीन बन जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। यहीं पर अगर आपका H2 निकल दे रखा होता, H2 निकल के साथ मान लो अगर ट्रीट किया होता तो कैसे रिडक्शन होता, तो यहाँ पर ये जो दूसरी बेंजीन रिंग है आपकी, ये पूरी ही रिड्यूस हो जाती, तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या होता, ये कंप्लीट ही इसका रिडक्शन हो जाता H2 निकल के साथ। लेकिन सोडियम एल्कोहल के साथ क्या होता है, 1,4-dihydro नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा इनमें से नहीं देगा पूछा है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से देते हैं, सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर आपके पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए, दैट मीन्स इस तरीके से आपका कोई ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, CH3CHO, दैट मीन्स यहाँ पर आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन इस केस में प्रेजेंट नहीं है।
दैट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है और इसमें आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन ये नहीं देगा। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेसर प्रेशर ऑफ द रियल गैस इन कंपेरिजन टू एन आइडियल गैस। जो हमारी रियल गैस होती है उनका प्रेशर कम होता है इन कंपेरिजन टू द आइडियल गैस, और इसके पीछे रीजन क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। स्टार्टिंग में देखा कि जो गैसेज होती है सारी गैसेज आइडियल होंगी और वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगी, लेकिन जब बात की कब, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे देखा तो गैस क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी फ्रॉम द आइडियल गैस लो। तो यहाँ पे जो डेविएशन थी उसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन था अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो वहां पे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, लेकिन वंडरवॉल ने क्या देखा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, और उस इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ एग्जिस्ट, जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा उसको बोला वंडरवॉल फोर्सेज। उसको क्या बोला, वंडरवॉल फोर्सेज। और ये वही वंडरवॉल फोर्सेज थे जिनकी वजह से मॉलिक्यूल उस फोर्स के साथ, उस एबिलिटी के साथ जो कंटेनर है उसके वॉल्स को हिट नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह से क्या आ रहा था, आइडियल गैस लो में डेविएशन आ रहा था, वो आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है यही रीजन है किसके पीछे, गैस की डेविएशन के पीछे फ्रॉम द आइडियलिटी। ओके, तो ये रियल गैसेस का जो प्रेशर होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द आइडियल गैसेस बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि यही वो फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल को क्या नहीं करने देते, उसी फोर्स के साथ कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक नहीं करने देते। ठीक है, उसी फोर्स के साथ कंटेनर की वॉल्स को स्ट्राइक नहीं करने देंगे जिस फोर्स से क्या कर रहे हैं, वो वापस अट्रैक्टिव फोर्स से हेल्ड हो रखे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन आयन M2 पॉजिटिव दिया हुआ है, फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हमारे पास, हमारे पास MH2O का 6-2 पॉजिटिव, MeN2 En का 3-2 पॉजिटिव, MBr6-4 नेगेटिव। ठीक है, तो हमें बताना है कि अप्रोप्रिएट कलर कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स का, तो ये हम क्या करेंगे, कलर थ्योरी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं बात करूं लिगेंड के नेचर की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेरे पास क्या है, En है, फिर उसके बाद क्या है, वाटर है मेरे पास, फिर क्या है, Br नेगेटिव है। ठीक है, कलर कौन कौन से दिए हुए हैं मुझे, ग्रीन, ब्लू और रेड। ठीक है, ये तीनों मेरे पास क्या है, ऑब्जर्व्ड कलर है, जो हमारे को ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, सीन कलर बोल सकते हैं इनको हम। ठीक है, लेकिन जो एब्जॉर्ब होगा कलर वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ से, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखूंगी तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, रेड है। ठीक है, अगर ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री देखूंगी तो मेरे पास क्या है, ऑरेंज है। ठीक है, अगर रेड का कॉम्प्लीमेंट्री देखूंगी तो मेरे पास क्या है, ग्रीन है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमें रेड कलर का दिख रहा है तो उसने ग्रीन कलर क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, ये लिगेंड दिए हुए हैं, ये हमारे पास क्या, सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर वाटर है, फिर बीआर है। ठीक है, अगर अब मैं बात करती हूँ, अगर मुझे देखना हो, अब क्या होता है, डेलो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा डेलो होगा तो इसका लैम्डा सबसे कम होगा। अगर मैं विबग्योर में बात करती हूँ तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पे क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर अब मुझे बात करनी है डेलो, डेलो के लिए अगर ये सबसे ज़्यादा है तो मुझे सबसे कम वेवलेंथ वाला कलर क्या हुआ होगा, En वाले कॉम्प्लेक्स ने एब्जॉर्ब किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, मेरे पास एब्जॉर्ब कलर है, तो इसमें से सबसे कम वेवलेंथ का मेरे पास कौन सा है, एक मेरे पास रेड है, एक ऑरेंज है और एक ग्रीन है, तो ग्रीन एब्जॉर्ब किया होगा En ने। ठीक है, ग्रीन कलर किसने एब्जॉर्ब किया होगा, En वाले कॉम्प्लेक्स ने, तो En वाले कॉम्प्लेक्स का कलर क्या आएगा मेरे पास, रेड, ये मुझे रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ
नेक्स्ट है मेरे पास वाटर, ठीक है, वाटर जब एज ए लीगेंट है तो ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब करेगा जिसकी हमारे पास वेवलेंथ क्या है इससे कम, इससे ज्यादा होगी ग्रीन वाले से, तो ये कौन सा होगा, ऑरेंज वाला, ठीक है, ऑरेंज किसका है, ब्लू, इसका सीन कलर क्या है, ब्लू, तो मेरे पास जो वाटर वाला कॉम्प्लेक्स होगा तो वो मुझे कौन से कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, हमारे पास जब बी आर नेगेटिव एज ए लीगेंट है तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा मेरे पास इसका, देखो हमारे पास डेलो सबसे कम है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला कलर क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये क्या करेगा, रेड एब्जॉर्ब करेगा, अगर ये रेड एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इसकी लैम्डा मैक्सिमम है तो ये हमें दिखेगा कौन से कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है, तो इसका कलर मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रीन, ये हमारे पास क्या है, सीन कलर हो गए, ठीक है। तो अब मैच कर लो, हमें पहले पूछा है वाटर का क्या होगा, ब्लू होगा, ठीक है, ईएन का क्या होगा, रेड होगा, और हमारे पास अगर ब्रोमाइड एज ए लिगेंड है तो क्या होगा, ग्रीन होगा, तो हमारे पास क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आपको सीन कलर देखना होता है और एब्जॉर्ब कौन सा होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब होता है, तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये क्या है, शुगर का एसिड हाइड्रोलाइसिस, जब हम शुगर का एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इसमें शुगर का एसिड हाइड्रोलाइसिस है, जब हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, शुगर की कंसंट्रेशन पे और किस पे, एसिड की, एसिड पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द शुगर, तो ये जो मेरी रिएक्शन होती है कौन से ऑर्डर की होती है, एक सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी, किसकी होगी, सेकेंड ऑर्डर की ये रिएक्शन होगी। अगला क्वेश्चन है, ए मॉलिक्यूल इन वाइब्रेशनल मोशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी इक्वल टू द फॉलोइंग, अगर हम क्या करें, कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशनल मोशन में होते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, हाफ केटी, कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, हाफ केटी, चाहे वो ट्रांसलेशनल में हो या रोटेशनल में हो, लेकिन अगर हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो वहां पर कितनी एनर्जी एसोसिएट होती है, केटी, ओनली कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, केटी होती, यहाँ पे भी हाफ केटी है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी होती है वाइब्रेशनल मोशन में वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, टू इंटू हाफ केटी, तो जो मेरे पास टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एनर्जी का वाइब्रेशनल मोशन में वो किसके बराबर आएगा, केटी के इक्वल, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को एक रिएक्शन दी हुई है, ये हमें बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, ऑस्मियम हमारे पास टेट्रा ऑक्साइड है, 9CO के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास OSCO5 बनता है और 4CO2 बनता है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन रिएक्शन है, रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन रिएक्शन है, या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये नहीं है, अगर मैं डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन की बात करूँ तो हमें पता है कि OMC में हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट कार्बोनाइलेशन से सिर्फ कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, Ni और हमारे पास आयरन के, इसमें ये हमारे पास क्या है, जब हम ऑक्साइड लेते हैं, ऑक्साइड के साथ जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो यहाँ पे CO क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, और ये हमारे पास क्या है, रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जब हमारे पास की मेटल की ऑक्साइड होती है तो उसमें अगर हम उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है और हमारे पास क्या हो जाता है, रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है, ये तो एक रिएक्शन है सिंपल, अगर इन्होंने क्या बोला है, 4 PCl5 प्लस 4NH3, जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है PnCl2 का 4 प्लस 12HCl, ये तो सिंपल एक रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आयन पोजेस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, किसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी,
देखो अगर मैं बात करती हूँ ICl4 नेगेटिव की, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास I है यहाँ पे सेंट्रल एटम, इसके ऊपर कितने 7 तो आउटर मोस्ट में होते हैं, एक नेगेटिव, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 तो इसने क्या किया बॉन्ड बना लिए, ठीक है, 4 इसके पास क्या बच जाएंगे, लोन पेयर बच जाएंगे, ठीक है। अब 4 बॉन्ड पेयर है मेरे पास प्लस 2 लोन पेयर है, ठीक है, टोटल कितने हो गए 6 हो गए, तो इसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d2। अगर sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री निकालूंगी तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, स्केयर प्लेनर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2, ठीक है, बाकी की आप निकाल के देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक्स बताना है इस फॉलोइंग रिएक्शन में क्या होगा। आपके पास क्या दे रखा है, एक साइक्लोप्रोपेन रिंग है, यहाँ पर दो आपके क्या है हैलाइड्स ग्रुप लगे हैं, ब्रोमाइड ग्रुप लगे हुए हैं, और BuOHX है ट्रीट किया हुआ है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखने की कोशिश करें तो क्या होता है, सिंपल सा मैकेनिज्म, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ आपके पास क्या है, एक BR है, ये BR है, यहाँ पर आपके R ग्रुप लगे हैं, R ग्रुप को एज इट इज लगा देते हैं, किसके साथ, किसी भी एलाई, आप RNI के साथ ट्रीट कर लो, तो यहाँ पर BuOHX से ट्रीट किया हुआ है। तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा कि आपका एक BR हट गया, यहाँ पे तो लिथियम आ चुका है, एल्काइल लिथियम ये बन चुका है। इसके बाद दो पाथवेज फॉलो कर सकता है ये, क्या क्या पाथवे हैं, इसको मैं कह देती हूँ ए और इसको कह देते हैं बी, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, या तो सिंपली क्या हो जाए, या तो सिंपली ये यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको क्या कहा है, ये कंसर्टेड एलिमिनेशन, कंसर्टेड एलिमिनेशन फॉलोड बाय रिंग ओपनिंग। रिंग जो थी वो क्या है, आपकी ओपन हो चुकी है, रिंग ओपन होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो एक आया है डबल बॉन्ड, राइट, यहाँ पर एक आर ग्रुप ऑलरेडी लगा था। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो सकता है, फिर से यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है क्लीव हुआ और यहाँ पर फिर से एक डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पर मैंने सिंपल इसको कार्बन लिख दिया और यहाँ पर है आपका आर ग्रुप, तो आपको इस तरीके से एलीन मिल चुकी है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एलीन होती है, या तो इस पाथवे से जाएंगे, या तो सिंपली क्या हो सकता है, यहाँ पर यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन हो जाएगी, और अल्फा एलिमिनेशन होने के बाद आपको एक कार्बीन इंटरमीडिएट मिलता है और इसके बाद फाइनली एलीन ही मिलने वाला है। तो अगर ऑप्शंस देखा जाए तो यही पूछा, अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है कि एलीन तो मिल रही है लेकिन आपका यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो क्या बन रहा है, वो आपकी बन रही है कार्बीन, और आपका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है आपको। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिनॉल्स दे रखे हैं आपके पास, बस यहाँ पर सिंपल फिनॉल है, या आपका पैरा पोजिशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर पैरा और मेटा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, मतलब अगर नाइट्रो और आपका मिथाइल का पता है आपको तो एसिडिटी इजिली बता दोगे। बताओ नाइट्रो जो है आपका ग्रुप वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर पैरा पोजिशन या ऑर्थो पोजिशन पर होता तो क्या होता है, इसकी एसिडिटी इसकी वजह से बढ़ जाती इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो हमारा यही वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन चेक करिए, सबसे एक ही ऑप्शन है सिर्फ ऐसा जिसमें फोर्थ है सबसे पहले, करेक्ट ऑप्शन समझ में आ गया आप चुका, राइट। इसके बाद फिर भी ऑर्डर देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, जिसमें नाइट्रो जो है किस पोजिशन पर है, पैरा पर है, ठीक है। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो नाइट्रो जो है वो किस पोजीशन पर है, मेटा पे है, तो ये वाला हो सकता है, मतलब 4 के बाद आएगा 3, और इसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन करें तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो उसकी एसिडिटी तो वैसे ही बहुत कम हो जाएगी, दैट मींस फिर आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट में आएगा आपका सेकंड, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस मोस्ट स्टेबल स्पीसीज आर, इनमें से मोस्ट स्टेबल स्पीसीज कौन कौन सी है। देखो इस पेपर में आपके हार्ड सॉफ्ट के बेस पे, कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एजी क्या है, सॉफ्ट है,
और ये भी क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ CO, यहाँ पे हार्ड है, और हमारे पास ये भी क्या है, फ्लोराइड भी क्या है, हार्ड है। ये हमारे पास क्या है, हार्ड है। और अगर मैं NCS में बात करूँ तो N सेंटर हमारे पास क्या होता है, हार्ड होता है, S सेंटर क्या होता है, सॉफ्ट। तो देखो यहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रही है, यहाँ हार्ड हार्ड, यहाँ पे भी हार्ड हार्ड, तो ये हमारे पास क्या है, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, देखो ये हार्ड सॉफ्ट है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो ये PD, ये सॉफ्ट होता है, तो ये S सेंटर को प्रेफर करेगा, तो ये भी नहीं होगा मेरे पास, ठीक है। अब इसमें देखो तो हमारे पास क्या होगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरे पास फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास A ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, सिंपल सा पूछा है कि प्रोटीन का जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें पूछा है जो प्रोटीन होगी वो कैसे स्टेबलाइज होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से, वैन डर वाल फोर्सेस या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। देखो यहाँ पर आपके जो अमीनो एसिड जो भी प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, इस तरीके से कुछ पेप्टाइड बॉन्ड्स ऐसे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से ही आपका पूरा ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना होता है। तो इनमें सिंपली क्या होगा, ये जो आपका CO और NH बॉन्ड्स हैं, इनकी वजह से ये ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन की वजह से बहुत सारे आएंगे, और इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन। ज्योमेट्री ऑफ NCH3 का थ्राइस एंड NSH3 का थ्राइस, इन दोनों की ज्योमेट्री हमारे पास क्या होगी। देखो हमारे पास क्या है, अगर मैं बात करूं NCH3 का थ्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्या है, सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, लेकिन दोनों यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर है, लेकिन इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। और इसकी हमारे पास देखो अभी ये कैसे बनेगा, यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे, यहाँ पे 3 CH3 जुड़े होंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, मेरे पास sp3, और इसकी अगर मैं ज्योमेट्री निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। अगर मैं बात करती हूँ NSIH3 का थ्राइस, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर लोन पेयर है, इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बैक बॉन्डिंग हो सकती है हमारे पास पी से डी में, पी पाई डी पाई। अगर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो हमारे पास ये लोन पेयर क्या है, इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, मेरे पास sp2, और ये हमारे पास क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताना है, अमंग द क्लोराइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल गिवन बिलो, द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एज पर फजांस रूल विल बी शोन बाय, सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। तो इसमें सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा हमारे पास MgCl2 का नियर अबाउट 350, तो इसका सबसे लोवेस्ट होगा अपने ग्रुप के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अ वैट डाई, डाइस से आपका क्वेश्चन है कि वैट डाई का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। वैट डाई का एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका इंडिगो, राइट। इंडिगो कैसा है आपका, वैट डाई होता है। ये तो सिंपल, आपके अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, बस यही है। ओके, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज अ सिलिंड्रिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री इनमें से किसकी होती है, इथेन, इथाइन, मीथेन या मीथेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम एल्काइन की बात करें किसी में, जैसे इथाइन है, तो इनमें क्या होता है, इथाइन में एक सिग्मा होते हैं और आपके पास दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो 1 sigma and 2 pi bonds की वजह से इसमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री आ जाती है। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, ओके रिएक्शन दे रखी है, पूछा है सिंपल नेम पूछा है, बहुत ही सिंपल है। देखो अगर हम रिएक्शन देखें, क्या है आपका, टोलुइन दे रखा है और CrO2Cl2, तो देखते ही समझ में आ जाएगा, जहाँ क्रोमाइन क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, दैट मीन्स इट इज इट आर्ड रिएक्शन। और फाइनली जो आपका लास्ट प्रोडक्ट है, वो लास्ट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये एल्डिहाइड मिलेगा, और फर्दर इसको हम एल्कोहल बनाकर आ जाएंगे, ठीक है। ये प्लस होगा, प्लस फाइनल आपका एल्डिहाइड बन जाता है। दैट मीन्स
ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? ईटार रिएक्शन। ईटार रिएक्शन में क्या होगा, आपके पास कोई भी या तो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है या तो हेट्रोसाइक्लिक हो सकता है, और उसे डायरेक्टली अटैच होगा आपका मिथाइल ग्रुप, और उसको हम ट्रीट करते हैं CrO2Cl2 के साथ, और फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्डिहाइड बन जाता है। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा के एल्डिहाइड बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए परफेक्ट गैस। अगर हम क्या करें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें, तो आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल होता है? हमेशा 1 के लिए। और अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो सकता है? या तो 1 से बड़ा या 1 से छोटा। लेकिन आइडियल गैस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑलवेज किसके बराबर होगा? 1 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एसिड बेस कंसेप्ट इन्वॉल्विंग मोल्टन कंडीशन। मोल्टन कंडीशन का जो एसिड बेस कंसेप्ट है वो हम कौन सी थ्योरी से, कौन से कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं? वो हम एक्सप्लेन करते हैं लक्स फ्लड कंसेप्ट से। इसमें क्या होता है, ऑक्साइड का ट्रांसफर को हम डील करते हैं, और ये क्या है, मोल्टन कंडीशन के लिए भी वैलिड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लक्स फ्लड कंसेप्ट। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द फोटोकेमिकल रिएक्शन विद क्वांटम यील्ड 2। कौन सी रिएक्शन है जिसकी हमारे पास क्वांटम यील्ड 2 आएगी? तो ये हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास 2HBr, जब 2HBr रिएक्ट को हम लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, H2+Br2। और इस केस में हमारे पास क्या होता है, जो क्वांटम यील्ड आती है वो हमारे पास क्या आती है, 2 आती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द ग्रुप ऑफ कैटायंस मैग्नेटिक मूवमेंट कैन बी गिवन बाय स्पिन ओनली फॉर्मूला। कौन से कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमारे पास क्या है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू है वो सेम आ जाएगी सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला से ही। देखो क्या होता है, जब हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं, जब हम लेंथेनॉइड की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, LS कपलिंग हो जाती है। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है म्यू निकालने का, अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 2, मतलब या फिर s वाला फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है l, अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट केस की, तो इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या आएगा मेरे पास, F7 आएगा। इसका क्या आएगा मेरे पास, F14 आएगा। तो अगर ये दोनों हाफ फील्ड और फुली फील्ड है, तो इस केस में देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे अगर मैं L की वैल्यू निकालूंगी तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर 14 का केस है तो 14 के केस में भी मेरे पास L क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इन दोनों के केस में L 0 है, अगर L 0 होगा तो मेरे पास म्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अंडर रूट N इंटू एन प्लस 2। यहाँ पे N मेरे पास क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्पिन ओनली फॉर्मूला ही वैलिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे L क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ से ही सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, सिर्फ किस केस में, जब L 0 है। तो इन्होंने यही पूछा है कि सिर्फ स्पिन ओनली फॉर्मूला, स्पिन ओनली फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2, L तो 0 है इन दोनों के केस में, क्योंकि यहाँ पे हाफ फील्ड और फुली फील्ड का केस है। तो इसलिए मेरे पास ये वाले ऑप्शन, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं इन दोनों आयंस का। तो हमारे पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रखा है और पूछा है अबव मेंशन्ड कंपाउंड इज प्रिसाइजली टर्म्ड एज, क्या कहते हैं आखिर से, राइट? ये है कि आपका दिस इज 1,8-bis, ठीक है, फर्स्ट और एट पोजीशन पर क्या है, बिस डाइमिथाइल अमीनो नैप्थलीन। ये आप सिंपल कह सकते हो कि 1,8 सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड नैप्थलीन जो होते हैं, इनको ट्रेड नेम जो होता है इनका, नॉर्मली हम इन्हें प्रोटोन स्पंज भी कहते हैं। तो
सिंपल सही क्वेश्चन था आपका, करेक्ट ऑप्शन है आपका प्रोटॉन स्पंज बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन होती है जिसको हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं? इसमें क्या होता है, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है. जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड. एसीटोन को ट्रीट किया है किसके साथ, सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ. ये है आपका एसीटोन, इसको हम सिंपल अगर इनॉल फॉर्म इसकी लिखी है तो इस तरीके से आप इनॉल फॉर्म लिख सकते हो. इसको ट्रीट किया है किसके साथ, सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ, राइट. सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट किया है. तो इसमें सिंपल अगर हम अटैक करवाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, तो अगला स्टेप आपका क्या बन जाएगा, ये OH, देखो देखते जाओ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आया, यहाँ से आपका सेलेनियम है, यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका OH और यहाँ पर है आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. नेक्स्ट देखिए, फिर से ये अटैक हो सकता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट सकता है. इसके बाद अगला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर O है, ये सेलेनियम है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर आपका ये बन चुका है फाइनल. फिर से अगर इसको करवाओगे आप तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, फाइनल आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और SCOH होल ट्वाइस मिल जाएगा, SCOH होल ट्वाइस, राइट. अब देखो ये क्या है, इनॉल फॉर्म है, इसको मैंने क्या किया सिंपल, सॉरी यहाँ पर इनॉल फॉर्म है, इसको सिंपली क्या किया, इसको कीटो फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पर ये भी कीटो फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पर तो सिंपल हाइड्रोजन है. तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बना है, CH3COCHO वाला, मतलब है CH3COCHO, यही बन रहा है क्या, करेक्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है. अब देखो इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड ओ और एस ओ एच बॉन्ड प्रेजेंट इन मार्शलक एसिड एंड ओलियम, दोनों में कौन को कितने नंबर ऑफ एस डबल बॉन्ड और एस ओ एच बॉन्ड होंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, स्ट्रक्चर आना चाहिए. ठीक है, अगर मैं बात करूं मार्शल आर्ट इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास एस डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है ओ एच, ठीक है. अब इसमें अगर हमारे पास ये किसका स्ट्रक्चर है, हमारे पास मार्शल एसिड, ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ ओलियम की, ओलियम के मेरे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मेरे पास इसका स्ट्रक्चर मैं अगर निकालूंगी तो एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या होता है मेरे पास ओ एस डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे भी क्या होता है ओ एच, ठीक है. अब ये मेरे पास क्या है, ओलियम है, ठीक है. अब इसमें निकाल लो, पहले क्या निकालना है, एस डबल बॉन्ड ओ कितने होंगे, अगर मैं एस डबल बॉन्ड ओ की बात करती हूँ यहाँ पर तो कितना हो गया मेरे पास, एक दो तीन चार, और ओ एच बॉन्ड एस ओ एच बॉन्ड कितने हो गए, वन टू, ठीक है. तो हमारे पास क्या है, फोर और टू, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे मेरे पास, इन दोनों में से होगा. अगर मैं बात करती हूँ सिमिलरली इस केस में, एच एस डबल बॉन्ड ओ कितने हैं मेरे पास, फोर है, ठीक है. एस ओ एच बॉन्ड कितने हैं, दो हैं, तो दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, फोर टू और फोर टू, तो मेरे पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A cobalt complex is expected to have the lowest value of magnetic moment when the ligand field is in. हमारे पास कोबाल्ट का प्लस टू में कॉम्प्लेक्स है तो उसकी लोवेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कब होगा, जब उसमें लो लेस नंबर ऑफ क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे. मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे. अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा,
ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, देखो मेरे पास डी सेवन है, वीक फील्ड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा मेरे पास, ठीक है। अगर हाई स्पिन बनेगा तो क्या बनेगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो मेरे पास क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड की, तो मेरे पास डी सेवन का लो स्पिन बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ मेरे पास क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर देखो अब ऑक्टाहेड्रल की, तो ये हमने दोनों केस देख लिए। जब टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल में तो हमेशा क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करती हूँ डी सेवन में, तो उसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल फील्ड है, मेरे पास स्प्लिटिंग कैसे होती है, नीचे हमारे पास ई सेट होता है, ऊपर क्या होता है, टी टू सेट होता है, ठीक है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। तो मिनिमम मेरे पास कब आ रहे हैं, जब डी सेवन लो स्पिन है, मतलब डी सेवन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में है ऑक्टाहेड्रल, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, इन ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 द ट्राइगोनल BO3 नेगेटिव यूनिट आर बॉन्डेड टुगेदर थ्रू, ये वाला यूनिट है, तो इसमें हमारे पास ये कैसे बॉन्डेड होते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्या है, बोरोन होता है हमारे पास, O नेगेटिव, और हर एक ऑक्सीजन क्या करता है, दो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ ऑक्सीजन लगा होगा, यहाँ पे बोरोन होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन बोरोन, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग होती है, और ये हमारे पास क्या है, शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन टू डायमेंशनल शीट, हर एक ऑक्सीजन क्या करता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हमारे पास क्या है, इस तरह से शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन क्विनोलिन प्रेफरेबली किस पोजीशन पर होती है, 2, 3, 7 और 8 दे रखा है। क्विनोलिन होता क्या है आपका, एक तो सिंपल बेंजीन रिंग होगी और ये फ्यूज होगी किसके साथ, पिरिडीन रिंग के साथ, यही है क्विनोलिन, राइट। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भाई कौन से रिंग पर होने वाली हैं, तो आपके पास एक पिरिडीन रिंग है और एक बेंजीन रिंग है, तो अगर पिरिडीन रिंग की बात करें तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होंगे, और इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो सारी यहाँ पर होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच है ये, और सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हमारे बेंजीन पर ही होने वाली है, दैट मींस बेंजीन पर ही आपकी सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, और फिफ्थ और एट्थ पोजीशन ही प्रेफर किया जाती है, फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन, और यहाँ मैं देखूँ ऑप्शन में, फिफ्थ ऑप्शन कहीं नहीं दे रखा आपको, एट्थ है आपका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट। 59 क्वेश्चन है सिंपल सा आपका, विच कार्बन आयन इज मोस्ट स्टेबल, कार्बन आयन कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अगर मैं इन सब में कंपेरिजन करूँ तो आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या है, जो आपका कार्बन एटम है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो कैसे है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से सब s करेक्टर ज़्यादा है, s करेक्टर ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन हमारा क्या है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें पूछा है रेशियो ऑफ द मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ ए डायाटोमिक गैस मॉलिक्यूल, डायाटोमिक गैस मॉलिक्यूल की मोलर हीट कैपेसिटी का रेशियो, मतलब सीपी बाई सीवी का रेशियो क्या होगा एक डायाटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए। तो हमें पता है डायाटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल के लिए सीवी क्या होता है, 5/2R, और सीपी कितना होगा, 7/5R, क्या होगा, 7/2R। तो अगर हम CP बाई CV का रेशियो देखें तो क्या आ जाएगा, 7/5, क्या आ जाएगा, 7/5, जो किसके इक्वल आता है, 1.4, और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो अप्रोक्स किसके इक्वल होगा, 1.30 के, क्योंकि अप्रोक्स ऑप्शन तो यहाँ पे 1.30 ही गिवन है। डायाटोमिक के लिए CV हमारा होता है 5/2R और CP कितना होता है, 7/2R, तो यहाँ पे हमारा दोनों का रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 1.30
30, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे यूपी पीजीटी एग्जाम के फर्स्ट 60 क्वेश्चंस थे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, एंड एवरीवन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।